नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। धार्मिक ग्रंथों में आत्मा को अजर अमर माना गया है। इंसान की मृत्यु के बाद प्रेत योनि से बचाने के लिए पितृ तर्पण का बहुत महत्व माना गया है। श्राद्ध का अर्थ अपने इष्ट, अपने पितरों और वंश के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करना होता है। ऐसा माना गया है कि यदि विधि विधान से श्राद्ध किया जाए तो पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है। पितरों की मुक्ति के लिए भारत में 55 स्थलों पर पिंडदान करने की परंपरा सदियों से जारी है। आइए आज आपको इन स्थानों के बारे में जानकारी देते हैं। देश में कहाँ कहाँ होता है तर्पण। भारत में हरिद्वार, गंगा सागर, जगन्नाथपुरी, कुरुक्षेत्र, चित्रकूट, पुष्कर, बद्रीनाथ सहित 55 स्थानों पर श्राद्ध करने की परंपरा सदियों से प्रचलित है। शास्त्रों में इन 3 स्थानों पर पिंडदान करना खास माना गया है। इनमें बद्रीनाथ के पास ब्रह्म कपाल सिद्ध क्षेत्र में पितृदोष मुक्ति, हरिद्वार में नारायणी शिला के पास पूर्वजों का और बिहार के गया में पितृपक्ष तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष में फल्गु नदी के तट पर स्थित विष्णु पद मंदिर के करीब और अक्षय वट के पास पिंडदान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि घर से निकलकर गया पहुंचने तक एक एक कदम पितरों के स्वर्गारोहण के लिए एक एक सीढ़ी का निर्माण करता है। सबसे खास बात यह है कि गुजरात के ऐतिहासिक सिद्धपुर सिद्ध स्थल के पावन बिंदु सरोवर में मातृपक्ष का तर्पण किया जाता है। बिंदु सरोवर एकमात्र ऐसा स्थल है जहां मातृपक्ष का तर्पण किया जाता है। क्यों किया जाता है श्राद्ध? हिंदू मान्यताओं के अनुसार पिंडदान मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग माना गया है। किंवदंती के अनुसार भस्मासुर के वंशज गयासुर नामक राक्षस ने कठोर तपस्या कर भगवान श्री ब्रह्मा से वरदान मांगा कि उसका शरीर भी देवताओं की तरह पवित्र हो जाए, उसके दर्शन मात्र से ही लोग पाप मुक्त हो जाएं। इस वरदान के चलते स्वर्ग की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। लोग बिना भय के पाप करते फिर गयासुर के दर्शन से पाप मुक्त होने लगे। इस समस्या से निजात पाने के लिए राक्षस से देवताओं ने यज्ञ के लिए एक पवित्र स्थल की मांग की। गयासुर ने अपना शरीर ही देवताओं को यज्ञ के लिए सौंप दिया। गयासुर जब लेटा तो उसका शरीर 5 कोस में फैल गया। वहीं 5 कोस की जगह आज गया के रूप में पहचानी जाती है। वहीं दूसरी कथा के अनुसार गयासुर की ओर से लोगों को तारने वाला बनाने के कारण ही गया को पूर्वजों के पिंडदान करने वाला माना गया है। मान्यता है कि श्राद्ध के समय जो लोग किसी भी लोक में होते हैं वे इस दौरान पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। गया में पिंडदान से इंसान होता है पितरों के ऋण से मुक्त। बिहार के फल्गु तट पर बसे गया में पिंडदान का बहुत महत्व है। माना जाता है किसी स्थल पर भगवान राम और देवी सीता ने राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया था। महाभारत में लिखा है कि फल्गु तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य श्राद्ध पक्ष में भगवान गदाधर यानी कि भगवान विष्णु जी के दर्शन करता है वह पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है। विष्णु नगर से भी पहचाना जाता है गया। गया को विष्णु नगर के रूप में भी जाना जाता है। गया को मोक्ष की भूमि का भी दर्जा प्राप्त है। विष्णु पुराण वायु पुराण में इस जगह का उल्लेख है। विष्णु पुराण के अनुसार गया में पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है और वह स्वर्ग में जाकर वास करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री विष्णु पितृ देवता के रूप में विद्यमान है, इसलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। गया में स्थापित 360 वेदियों में से मात्र 48 शेष। मोक्ष की भूमि पितृ तीर्थ के रूप में विख्यात गया में पहले विभिन्न नामों की 360 वेदियां थी। यहां पिंडदान करने की परंपरा थी, परंतु अब इनमें से केवल 48 वेदियां ही शेष हैं। यहां होता है मातृपक्ष का पिंडदान। कपिल मुनि के पिता कर्दम ऋषि की 10,000 वर्षों की तपस्या के फल से फलित ऐतिहासिक सिद्धपुर सिद्ध स्थल में पावन बिंदु सरोवर देश में केवल एक ऐसा तीर्थ है जहां पर पुत्र अपनी माता के मोक्ष हेतु कार्तिक माह में आकर पूजा अर्चना और कर्मकांड करते हैं। कहा जाता है कि महान ऋषि परशुराम ने भी अपनी माता का श्राद्ध सिद्धपुर में बिंदु सरोवर के तट पर ही किया था। बिंदु सरोवर के किनारों पर पत्थर के घाट बनाए गए हैं। ऋषि परशुराम का आश्रम भी निकट है, पास ही मोक्ष पीपल है। यहाँ पुत्र अपनी माता के मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। किसे कहते हैं पिंड? विद्वानों के अनुसार किसी वस्तु के गोलाकार रूप को पिंड कहा जाता है। प्रतीक के रूप में शरीर को भी पिंड कहा जाता है। पिंडदान के समय मृतक की मुक्ति के लिए जौ या चावल के आटे को गूंथकर बनाई जाने वाली गोलाई को पिंड कहते हैं।
आचमन पर जनेऊ को दाएं कंधे पर रखकर चावल, गाय के दूध, घी, शक्कर व शहद को मिलाकर बनाए गए पिंडों को श्रद्धा भाव के साथ अपने पितरों को अर्पित करना पिंडदान कहलाता है। जल में काले तिल, जौ, कुशवा, सफेद फूल मिलाकर उस जल से पूर्ण श्रद्धा भाव से की गई रीत से तर्पण किया जाता है। इस रस्म को पूरा करने से पितर तृप्त होते हैं। सो दोस्तों, यह थी उन स्थानों से जुड़ी जानकारी जहां होता है पितृपक्ष और मातृपक्ष का तर्पण। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।